आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कलदम टीटीपी खवारिज की सरकारी स्कूलों पर हमले की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू। 22 जुलाई को टीटीपी खवारिज ने मीर अली में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। खबर की तफसीलात देंगे नवीद अकबर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सरकारी स्कूलों पर हमलों की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है, आगाह कीजिएगा नवीद। जी बिल्कुल, टीटीपी खवारिज के जो सरबराह है नूरवली महसूद, उसकी एक ऑडियो जो है वो इंटरसेप्ट की गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों पे अस्पतालों पे हमले किए जाएंगे। 22 जुलाई को टीटीपी कलदम जो है खवारिज ने मीर अली की गांव जेर कई की गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल फजलाही कोर्ट की इमारत को बरूदी मवाद से धमाके से उड़ा दिया और एक हिस्सा तबाह हो गया। इसके अलावा टांक में 26 साल से टीचिंग की पढ़ाई सर अंजाम देने वाले मीरा जान, जिनकी उम्र 51 वर्ष थी और वो टांग के ही रहने वाले थे, उनको टीटीपी के खारिज दहशतगर्दों ने टारगेट क्लियर करके शहीद कर दिया। सीनियर टीचर मीरा जान 25 साल से दरअसल तदरीस का काम कर रहे थे। खारिज की जगह से स्कूलों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना और टीचर्स की टारगेट क्लियर जाहिर करती है कि खारजी नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कार पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। दुश्मन के आला कार टीटीपी के इंसाफ पसंद खारिज ने नाम नहाद शरीयत का लबादा और फिर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। बाद अपने फैलाने के इस मकरूह धंधे में खारिज अमली तौर पर प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हालिया डीआई खान के इलाके पूरी शमोजई में खारिज की जान से देही हेल्थ सेंटर पर हमला करके मासूम मर्दों खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया, वो भी थी इसलिए कड़ी थी। स्कूलों और अवामी महफूज के सेंटर पर हमले करना और मासूम अवाम को निशाना बनाना टीटीपी की नाम नहाद शरीयत का वो बोलता सबूत है। अफगान तालिबान और टीटीपी के इंसाफ का नजरियात और खवातीन के हकूक तालीम को निशाना बनाना सबूत है कि टीटीपी और टीटीए एक ही के दो रुख है। खबर से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।